हे गाइस, क्या हाल है दोस्तों? आज ईद है और हम जा रहे हैं नगर पार कर। मेरे साथ दोस्त हैं, ये खालिद भाई, दानू भाई, लवसन है, सारे हैं, संतोष है। तो आज का ट्रिप जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आप भी हमारे साथ चलिए और हम यहाँ से स्टार्ट विद द नेम ऑफ कायदे दम। यस, तो मेरे प्यारे दोस्त, ये अभी हम जा रहे हैं नगर पार कर, सीधा रात वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर मजीद गपशप करेंगे रास्ते में, चल चलते हैं वहाँ। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, जहाँ मंदिर ले चले। मॉर्निंग गाइस, और उठ गए हैं बाकी कुछ दोस्त भी, सोए हुए खाली थे, एक जगह हुआ, बाकी सारे सोए हुए हैं। तो बस उठने लगे हैं अभी। अभी आपको मैं इस खिड़की से करमगढ़ का मॉर्निंग व्यू चेक करवाऊँ, उसके बाद दोस्तों की हालत में आपको दिखाता हूँ। मॉर्निंग व्यू चेक करें इस खिड़की से, फ्रेम इन फ्रेम चेक करें, फ्रेम इन फ्रेम, हाय हाय हाय, सीन चेक करें। रात हमने दोस्त का है, ये बंगलो है, वहाँ पे हमने रात गुजारी है। ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, सोए हुए हैं। कल रात हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बारिश बहुत थी, बारिश ने हमें बड़ा तंग किया। घोड़ी मंदिर से हम जैसे ही निकले थे बारिश शुरू हुई, घोड़ी मंदिर जहाँ पहुँचे थे तो बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश शुरू होने की वजह से हम मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये संगत है, रात हम यहाँ सोए थे, सोए थे। अबे भाई, ये कैसा सोया हुआ है? इसको कुछ किया था क्या भाई? नहीं, ये रहीम बाकी संगत का, देखा ये यहाँ के बोर्चे हैं, इन्होंने हमारी बड़ी अच्छी खिदमत की। ये शेख हैं नगर बात करके, ये डॉक्टर लवसन सोया हुआ है, मोवाली है, मोवाली भाई नींद का ही। ये है दानू भाई हमारे, ये दोनों डॉक्टर हैं, एक ही कमरे में सोए। बाहर का थोड़ा आपको व्यू में चेक करवाऊँ। ये है नजीब, हमारे यार, हमारे तन मन, हमारे जाने जिगर। हाँ भाई, ये क्या हाल है? हाँ, ये हमारे होस्ट हैं, हमारी जान है, ये हमारी बाइक्स हैं। तो यार, रात ये कपड़े सुखा दिए, बारिश ने हालत टाइट कर दी थी। थोड़ा मॉर्निंग व्यू चेक करें आप करमगढ़ का। ट्रैक्टर है बाबू, ये ट्रैक्टर है, ये देखें। रात इतनी बारिश हुई थी, बहुत ही बारिश हुई थी, सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा हुई थी, बड़ा हमें डिस्टर्ब किया। खैर, हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए। ये है भाई का बंगलो, यहाँ हम पहुँचे थे। और बस नहा धो लें, फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, मिलते हैं, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, किस जगह पे पहले जाते हैं, लेट संगत को डिसाइड करने दें, फिर बताते हैं। तुम बैग दे दो, जुगाड़ो बैग दे दो, जो भिंड में तो आना सजा। हम अभी क्या कर रहे हैं, एक ही बैग उठा रहे हैं, ये है पैराशूट बैग और वाटरप्रूफ है,
तो संगत अभी पेंजे एकड़ो जोड़ो बाबा जो जोड़ा है अभी इनमें वेजो भाई जो हमने लगानो लगा संतोष जल्दी करो जानी ये बाइक से स्टार्ट है ऐसा नहीं है कर रहे हैं बस चलो लगाओ इसमें जल्दी करो अभी हम निकल और हम प्लान कर रहे हैं चूड़ियों जाने के लिए। चूड़ियों जो है माता रानी का टेंपल है और बॉर्डर के पास ही है तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले वहाँ जाए। आज हमारे पास टाइम है, हम रात ही यहाँ पे पहुँच गए थे और ये है कि टाइम की बचत होने के लिए हुआ है हमारे पास, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो एक घंटे ऑलमोस्ट एक घंटे में हम वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। नज़ीर हमारे साथ नहीं चला, उनके कोई फ्रेंड आने वाले हैं तो हम अकेले जा रहे हैं। और रोड भी जो है ना बन गया है, वो भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमें पहले हम कच्चे में जाते थे तो घंटा डेढ़ घंटा लगता था, आप देखते हैं कितना टाइम लगता है। और रणपुर डैम है उसके वे उसके हम जाएंगे। चलो मिलते हैं आगे। सो फैसला हो गया, हम पहले जा रहे हैं चूड़ियों जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो पहले हम वहाँ जा रहे हैं। संगत बताओ अभी निकलने लगे हैं और ये सामने कारुंजा रेंजेस हैं, देख लें बस निकलते हैं। एक और ट्रेजेडी मैं बग गया क्या मेरे घर ही आ ये रोड गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बन रहा है और पहले जो रास्ता चूड़ियों का था वो कच्चा रास्ता था, तो अभी गवर्नमेंट सिंध ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये रीसेंट भी रोड कुछ बन गया है और आगे हम जब पता किया था कि कितना रोड बना हुआ है तो बोल रहे हैं काफ़ी बना हुआ है और कहीं पर बजरी भी लगी हुई है। हाँ बस कहने की देर थी तो बजरी स्टार्ट हो गई है, पका नहीं बना है तो ये रोड हमें आगे बहुत तकलीफ देगा। देखते हैं निकल लेंगे इसमें से भी, मसला नहीं है। बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। ये खूबसूरती देखिए और फिर ये देखिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ मैं जहाँ पहुंचना था, लेकिन हालत बड़ी बुरी हो गई है। तो बारिश थी तो हालत सारी ख़राब हो गई बाइक वाइक। ये है पीछे चूड़ियों मंदिर जो इसके पीछे ही जस्ट बहुत करीब ही इंडिया का बॉर्डर है, वो भी हम दिखाते हैं। हम चलते हैं आगे, ये है सीधा रास्ता, हम सीढ़ियों से चलते हैं वहाँ इंडिया चलते हैं। और कैमरा मैन दानिश के साथ स्वरूप मियाँ। काफ़ी काम कर लिया है तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर उधर से जो है ना फ्लैट थे तो गाड़ी वाड़ी चढ़े तो हम यहाँ से जा रहे हैं। यह मंदिर चूड़ियों जिसे बोलते हैं, माता रानी का मंदिर है। हाँ खाना बतोश। यस हाँ, कहीं रहे टूर
तमाम वो बेहतरीन सो इन मुश्किल में पेर पेर धोई छा हाँ बिल्कुल अस धोई छे मुश्किल में अल्लाह तला शुक्र से जो सो पाकिस्तान के आखिरी सरहद तीन पहुंची चुका हूँ हाँ पाकिस्तान की आखिरी सरहद बिल्कुल जो जो तक बिल्कुल हाँ कैसा रहा सफर आपका सफर बहुत टफ रहा हाँ ये क्या डोली लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हमारे लिए अच्छा हाँ ऑफ रोड हमने नहीं चला था लेकिन अब चला लिया है अब तो हम हायर हो गए ना है ना सीखने को मिला ना भाई ये हमारे सारे दोस्त हैं तो बड़ी तैयारी के साथ आए हम सब आज ये माता का मंदिर इस पहाड़ के नीचे इसका भी काम हुआ है ये अभी सारा काम हुआ है लाया चले थे और आखिरी सरहद पाकिस्तान की जहाँ से नहीं पाकिस्तान ख़त्म होता है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो लेट मी जूम ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बॉर्डर वहाँ उस पार है इंडिया और इस पार है पाकिस्तान ये सारा कुछ रण है देख लें अंदर आपको दिखाते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में क्योंकि बैटरी जो है ना आईफोन की आपको पता है बाकी थोड़ी बची है जय माता की क्या ये माता का मंदिर है चूड़ियो नाम और श्री ये जबल के अंदर है ये माता रानी का मंदिर वाइड एंगल आपको मैं दिखाऊं ये यहाँ के पुजारी है इनसे हल वल किया था हमने से घूम लिया और इन्होंने हमें ऑफर की है ऑलमोस्ट जो भी आते हैं उन्हें ऑफर करते हैं लाजमी नहीं हम आए हैं तो बिरयानी तैयार है उन्होंने बोला भाई जो भंडारा हम भंडारा बोलते हैं या खाना तो स्पेशली ट्रम जो मंदिर वगैरह मिलता है तो उसको भंडारा बोलते हैं हम तो वो हम करेंगे बिरयानी तैयार है खाएँगे फिर निकलते हैं आगे मंजिल हमारी बड़ी है बस निकल रहे हैं अभी ये पिक्चर्स ले रहे हैं और भाई जल्दी चलो जल्दी चलो भाई हाँ अभी टाइम हो गया जल्दी चलो वापसी नगर चलेंगे फिर माया टाइम गाँव में कुछ चलेंगे ना जल्दी करो बैटरी भी लो है ना यार सांद्रो चलते हैं आप निकलेंगे तो सांद्रो चलेंगे ना यार आप खाना खा रहे हैं तो जल्दी करो ना ये पिक्चर निकाले जल्दी करो बस निकल रहे हैं भाई चलो मिलेंगे अभी हम नगर शहर में इधर हम भंडारा कर रहे हैं हमें बिरयानी दी हुई है दाल है खा रहे हैं टेस्ट करेंगे आपको बताएंगे ये महाराज साहब हैं सलाम कोट के इन्होंने हमारी खिदमत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया ये यहाँ पे मुलाजम के तौर अपना फ़र्ज निभाते हैं सर अंजाम देते हैं और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है इनको पेड करता है खा लें उसके बाद गप शप करते हैं वेलकम वेलकम वेलकम
गए मैं, जाना तो सीधा नगर था लेकिन हो गया तो बाइक है हमने नीचे खड़ी कर ली है क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पानी जो है बह रहा था तो हमने सोचा डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं, तो बाइक हमने वहाँ पर खड़ी कर दी और अब आए हम डैम पे। नाम बाद में बताता हूँ, मेरे आप चेक करिए का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई आए हैं यहाँ पे तो बताएं कि इस डैम का नेम क्या है। छोलियाँ देखें आप, वेव्स, चेक आउट द वेव्स। ड्रोन उड़ाना था लेकिन हवा बहुत ही ज़्यादा है तो इसलिए फिलहाल वी हैव टू केयर। करें भाई चेक करें, वाइड एंगल चेक करें, वाइड एंगल चेक करें, स्पीड चेक करें। डैम का नेम कमेंट करें जल्दी से, बताइए कि ये कौन सा डैम है। ये कुछ टूरिस्ट हैं यहाँ पे नहा लिया है इन्होंने, हम भी जो है ना नहाएंगे ज़रूर। ये पार्क है यहाँ पे, कमेंट करें कौन सा डैम, गेस व्हिच डैम इज दैट। ये यहाँ पे पार्क है और बहुत ही हरियाली हो गई है, चेक करें। सर अभी जिते दोज आर माई टीचर और कुछ फ्रेंड्स हैं इसमें, ये यहाँ आए हैं। सर लोकेशन के बारे में बताएं कैसी है? बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा प्रताप आपका क्या ख्याल है? बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही क्या बात सो बहुत ही अच्छे से नहा लिया, अभी हम सीधा जाएंगे नगर, कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे। तो ये फ्रेंड है, सिर्फ दानू ने नहीं नहाया, बाकी सब ने नहाया, एंजॉय किया। ये बड़ी लोकेशन लेकिन संतोष हमारा इंतजार कर रहा है इसलिए हमें जाना है। तो इस डैम का नाम आपको बता दूँ या नहीं बताऊँ, सोचो, कमेंट आपने किया नहीं किया, अंदाज़ा लगाएं, गैस करें। कौन सा डैम है? काफ़ी डैम हैं, मशहूर हैं और इसका नाम है, सोचें, राणपुर डैम। जी राणपुर डैम इसका नाम है और बहुत सारे डैम हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे माया डैम पे, अभी जाते हैं शहर नगर पहुँचें,
फिर पता चलेगा कि हमें अभी जाना है या बाद में जाएंगे। लेट डिसाइड, फ्रेंड्स का डिसाइड करते हैं। और हो सकता है अभी जाएं, हो सकता है कल जाएं। और अगर आज वापस गए गांव मिट्टी तो आज जाएंगे, क्योंकि दो तीन लोकेशन है, सीन बनाते हैं। कोई अभी चलने लगे हैं, चाबी उठी है, सब उठी है, चाबी भी है। तो सीन ये बना, अभी हम जा रहे हैं सालद्रो, मेरा कज़न है वो निकलेगा मिट्टी के लिए, हम यहाँ होंगे। तो ये मेरे पीछे आप जो ब्यूटीफुल टेंपल देख रहे हैं जैन धर्म का है, ये इसकी बायोडाटा यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलते हैं अंदर और अंदर आपको जो है सीन चेक करवाते हैं। नमस्ते नमस्ते, क्या क्या हाल है? राम राम, खुश हो जोर। तो यहाँ पे केयर टेकर थे तो उनको मैंने हाय बोला। अभी मैं बैक कैमरा से आपको जो है ना दिखाता हूँ। ये वो इंडलेस चीज़ें हैं जो अभी आसार कदीमा के तौर पे बची हुई हैं, लेकिन ये शिकायत हमेशा गवर्नमेंट से रहेगी कि उन्होंने इन चीज़ों को जो है ना क्योर नहीं किया है। बोलेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू? जैसे कि ये थर पार्कर के एक कदीम एरिया है, नगर पार्कर, जो तकरीबन बहुत ही बड़ी हिस्ट्रिकल है। ये देखो, ये जिन धर्म का बना हुआ है, ये सारा संगे मरमर का बना हुआ है, और इसकी जो है सो आप हुनर देख सकते हैं। ये सारा ये जो लगे पिलर जो वगैरह, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन धर्म के, कितनी प्यारी बनी हुई है। और ये एक सबसे बड़ी जो है सो क्या कहें, जो फन है आप देख सकते हैं, ये सारे पत्थर से बनी हुई है। शीन जो तस्वीर है, शीन जो तस्वीर है, समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट। ये वो चीज़ें हैं जो हमने गंवा दिए अपने कल्चर से। ये देखें, गंवा दिए, बिल्कुल गंवा दिए यार। इस चीज़ की जो है ना आप खुशबू भी नहीं आती। ये देखें, रिनोवेट किया लेकिन उन्होंने वाइट जो है ना चूना जो उससे किया, चूना लगा दिया भाई, चूना लगा दिया। ये शिकायत हमेशा रहेगी कि क्योर नहीं किया है। अभी ये सारा आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है, अभी हम इंटर होते हैं इसके अंदर। तो ये एंट्री है, ये चेक करें भाई, ये डोम है। ये बुद्ध मजहब की जो है स्तूपा बना हुआ है, गॉर्जियस बोलते हैं मेरा भाई। ये देखें, ये पुराना बना हुआ, अभी का नहीं है। ये वो चीज़ें हमने गवा दी यार, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। ये देखें, सांद्रो सांद्रो, चलो जी सांद्रो रिलीजियस धाम है, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स बनाई और ये है सालद्रो धाम। लेट मी जूम ये। तो अभी यहाँ पे चल रहे हैं, थोड़ा इसका नज़ारा चेक करें। सीन्स ये हैं और ये बहुत ही एक बेहतरीन लोकेशन है घूमने के लिए। चलें, हाँ चलें, चलो ख्याल से स्टार्ट करना।
कहते तो कौन हला है को नहीं। चलें बैग बैग कर लिया भाई चलें। या या मथे ये बंदे ही है ये we have been reached at Saldro Dham, religious dham of Hindus. और यहाँ पे जब डेथ हो जाती है उसके बाद जो राख वगैरह बनती है ना तो वो जो यहाँ पे उतारते हैं ऐसा है सीन फेथ यहाँ का। तो चलते हैं अंदर। We have been reached. नाओगे? नहीं है। यहाँ पे पूजा वूजा होती है उसका जो है ना। व्यू चेक करें भाई व्यू चेक करें व्यू चेक करें। या ओ जी हल्या ख्याल सा बस पग्गा वांजो जे को है ना वो से मार दे ना आए बाकी मसलो को ने गयो तो गयो। चल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और जो सालदरों में पानी आता है वो जहाँ से बह कर आता है हम वहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ मेरा ध्यान था पता नहीं आगे रिजल्ट क्या आया। ये है वाटरफॉल। हाँ उतार ली तुमने शर्ट बड़े बेढंगे हो बेसब्र हो बड़े बेसब्र हो बड़े बेसब्र हो। सुफ हाँ क्या क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो क्या क्या ये क्या शर्ट उतार कर क्या दिखाना चाहते हो ओ, हम पाकिस्तान आवाम को नंगे लुखे यूं ही नहीं कहते देखे वीडियो फोटो वीडियो बंद करा वीडियो बंद करी फोटो वीडियो है मच्छी ऊपर पात्र भार कोने एड़ो एड़ो है ऊपर
यार बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, मजेदार, ये बहुत ही बारिश हुई है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, दिल खुश हो गया, कसम से दिल खुश हो गया।